भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस जीरन नगर में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और प्रदेश में शिवराज जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, उनकी दूरदृष्टि और लंबी सोच के कारण जो पिछले कोरोना कार्यकाल में कई लोग परेशान हुए, भोजन के लिए परेशान हुए, उनको कई परेशानियां आई। आज यह अन्न उत्सव जो है पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में जैसा ये जीरन नगर में है, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में सभी जगह ये अन्न उत्सव का कार्यक्रम आयोजित है। आप सभी लोग जो पात्र है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में सभी जन ने अपनी अपनी एक जिम्मेदारी पूर्वक अपना पूरा फर्ज निभाया है, उन लोगों तक मदद पहुंचाई। यही सोच के प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि भाई उनको अनाज उनको उपलब्ध हो, कि कोई भी भूखा नहीं रहे। आज उनका संदेश का वाचन मैं यहाँ करने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का प्रदेश के 8 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनकी दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता और सबका साथ सबका विकास की भावना के कारण ही हमने एकजुटता से कोरोना का सामना किया है। और अब करोड़ों लोग भोजन भी, जीवन भी और सम्मान भी के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी व लॉकडाउन ने देश में व्यवसाय, कारोबार और मजदूरी और सभी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। इस संकट की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने के द्वारा जरूरतमंद नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में निशुल्क खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, दाल इत्यादि सामग्री उपलब्ध कराई है। इसी कारण गरीब परिवार गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जी सके। इसके लिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कोरोना महामारी के सामान्य जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसमें गरीब, मजदूर व स्वरोजगार खास तौर से प्रभावित हुए हैं। इस आपदा की घड़ी में केंद्र तथा राज्य सरकार आप सबके साथ निरंतर खड़ी रही है। भोजन हर व्यक्ति की पहली जरूरत है। कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, जा तेरी धरी घंटी और ले माला। जब पहले खाने की व्यवस्था हो तभी तो आगे की बात सोची जाएगी। मैं प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की करोड़ों देशवासी कोरोना के विषम काल में भी भोजन की समस्याओं से मुक्त रहे। कोरोना की पहली लहर का कहर हमने अभी तक याद है। उस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याणकारी अन्न योजना करोड़ों देशवासियों के जीवन में आशा की किरण लेकर आई थी। इसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना